Hello friends, my name is Sartaj. Today, in this video, I will show you how to make a remote operated multifunctional power output, in short, ROMPO. ROMPO को मैंने Make in India और Skill India को ध्यान में रखकर बनाया है, तो अब वीडियो शुरू करते हैं. ROMPO के अंदर मैंने 4 220 वोल्ट के पावर आउट्स दिए हैं, जिन्हें आप इस रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं. ROMPO के अंदर मैंने 4 मेन फीचर्स दिए हैं. द फर्स्ट वन विच इज आप एक बटन प्रेस करके सारे सॉकेट्स टर्न ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं. द सेकंड फीचर विच इज आप एक बटन दबा के हर एक पोर्ट को सीक्वेंशियली ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं. द थर्ड फीचर विच इज टाइमर्स फॉर मोबाइल चार्जिंग. द फोर्थ फीचर विच इज सीक्वेंशियल रनिंग लाइट्स विच कुड बी वेरी यूजफुल फॉर क्रिसमस, गुरुपर्व और दिवाली. तो अब हम इसे रियल लोड्स के साथ देखते हैं. सो नाउ ROMPO विद लोड्स. तो मैंने पहला फीचर बताया था कि आप एक बटन प्रेस करके सब पोर्ट्स को ऑन कर सकते हो, विच इज दिस वन. अब हर एक डिवाइस चार्ज पे है और आप ये बटन प्रेस करके इन सब पोर्ट्स को ऑफ भी कर सकते हो. अब हर एक डिवाइस चार्ज से हट गया. सो नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड फीचर. तो दूसरा फीचर था सीक्वेंशियल पोर्ट ऑन, जो सा है ये वाला. ये फीचर तब काम आता है जब आप ROMPO को काफी हाई लोड्स के लिए यूज कर रहे हो, तो आप नहीं चाहोगे कि ROMPO पे हाई लोड्स एकदम से आ जाए, तो उसके लिए ये फीचर मैंने प्रोग्राम करा है. इससे हर एक पोर्ट ऑन होएगा और फिर थोड़ा टाइम लेगा बीच में और फिर नेक्स्ट पोर्ट ऑन होएगा, और ये साइकिल 3 बार रिपीट होता है. और अब इसे ऐसे ऑफ भी कर सकते हैं. द थर्ड फीचर इज टाइमर फीचर. जब आप रात को सो रहे हो और आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है, तो आप नहीं चाहोगे आपका मोबाइल 3 आवर्स और 4 आवर्स तक के लिए चार्ज होए. उसके लिए मैंने एक टाइमर फीचर प्रोग्राम करा है, विच इज दिस वन. नाउ ये पोर्ट 2 आवर्स तक के लिए पावर प्रोवाइड करेगा, जब तक आपका फोन इजीली चार्ज हो जाएगा. ये फीचर काफी यूजफुल है क्योंकि आपके मोबाइल डिवाइस की बैटरी लाइफ काफी देर तक बढ़ा सकता है. वीडियो पर्पसेस के लिए मैंने इसे सिर्फ 20 सेकंड्स का रखा है, पर मैं बाद में जाके इसे 2 आवर्स का कर दूंगा. या फिर अगर आपको खुद बनाना है ROMPO, तो आप इसकी लेंथ भी इंक्रीज कर सकते हैं. सो द सेकंड टाइमर इज दिस वन. ये टाइमर क्या करता है कि जब आप इसे ऑन करो, ये ऑन हो जाएगा, पर ये कोई पावर नहीं प्रोवाइड करेगा. ये 6 घंटे तक कोई पावर नहीं प्रोवाइड करेगा जब आप सो रहे होगे. अब इसे लगा के चले जाओ और ये कोई पावर नहीं प्रोवाइड करेगा, और जैसे 6 घंटे पूरे होंगे ये अपने आप ऑन हो जाएगा. तब तक ऑन होगा जब तक आप इसे मेन स्विच से ऑफ ना करो या फिर मास्टर स्विच से ऑफ ना करो. ये फीचर भी काफ़ी यूजफुल है क्योंकि जब आप उठोगे आपका फ़ोन चार्ज हो रहा होगा, और अब आप इसे ऑफ भी कर सकते हो. अगेन वीडियो पर्पसेस के लिए मैंने इसे सिर्फ 20 सेकंड्स का रखा था, पर आप इसकी लेंथ बढ़ा के इसे कितने देर का भी रख सकते हो, अप टू 50 डेज. So now let's go to the next feature. So the fourth feature was sequential running lights, which is this one. Sequential running lights could be very useful for Gurpurab, Diwali or Christmas. एक और बहुत ही यूजफुल फीचर है सर ROMPO में है कि अगर आपका फोन सॉकेट नंबर 4 पे लगा है और बाकी सब डिवाइसेस चार्ज हो गए या फिर उन्हें पावर की ज़रूरत नहीं है अभी, तो आप सिर्फ सॉकेट नंबर 4 को पावर दे सकते हो और बाकी सब ऑफ, मतलब 1, 2 और 3 ऑफ, और सिर्फ सॉकेट नंबर 4 पे पावर आ रही है. सो नाउ ओनली iPad इज गेटिंग चार्ज एंड द रेस्ट ऑफ द डिवाइसेस आर ऑफ. सो नाउ लेट्स गो टू द पार्ट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग दिस प्रोजेक्ट. So, for ROMPO, you will need a 4-channel 5-volt relay module, a Arduino Nano board, 606 250 milliampere transformer, 909 would also work great, a power cord, 4 sockets, 1 switch, 7805 regulator IC with a heatsink, 4 LEDs, a bridge rectifier, a capacitor
ऑफ 1000 माइक्रोफेरेड एंड 25 वोल्ट, 4 330 ओम रेजिस्टर्स, ए रिबन केबल एंड ए जनरल पर्पस पीसीबी. If you want the source code light and the circuit diagram, check the link in the description. But if you want the source code pro, email me on the email ID coming on the screen right now. So, मैंने रोमपो के लिए 606 250 मिली एम्पियर गुरु ट्रांसफार्मर भी यूज़ करा है. आप 909 भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी परफेक्ट वर्क करेगा. मैंने एक ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ करा है. आप 4IN4007 डायोड्स भी यूज़ कर सकते हैं. उसके साथ मैंने एक 1000 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाया है जो डीसी में रिपल्स आते हैं उन्हें एलिमिनेट कर देता है. उसके साथ मैंने एक 7805 आईसी लगाई है विद ए हीट सिंक. अब आर्डुइनो नैनो पे आते हैं. मैंने D3 पिन IR सेंसर को दिया. सो D4 से लेकर D7 तक मैंने LEDs को दिया और D8 से D11 तक रिले मॉड्यूल को दिया. तो अब हम देखते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाया. सो हियर इज़ हाउ आई मेड रोमपो. सबसे पहले मैंने एक एक्रेलिक शीट ली, उस पर थोड़े से होल्स करे ताकि हीट डिसिपेट कर सके. फिर मैंने एक छोटा सा होल करा ताकि मैं एक पावर कॉर्ड को इसके थ्रू पास कर सकूं. अब मैंने रोमपो के बेस के नीचे कुछ रबर फीट्स लगाई ताकि मैं उसके लेवल को सिक्योर कर सकूं. अब मैं इन चार सॉकेट्स को सिक्योर कर रहा हूं इनकी प्लेस पे. अब मैंने पूरे बॉक्स को तैयार कर लिया और उसके अंदर मैंने 606 गुरु ट्रांसफार्मर को सिक्योर कर दिया. अब मैंने न्यूट्रल और अर्थ वायर को सिक्योर कर दिया. अब मैंने हर एक सॉकेट और स्विच को सिक्योर कर दिया. नाउ आई एम डिज़ाइनिंग द प्रोटोटाइप ताकि मैं रोमपो के अंदर सीधा ये फिट कर सकूं. एंड इट वर्क्ड परफेक्ट. अब मैंने पूरा सर्किट जनरल पर्पस पीसीबी पे बना लिया है और अब मैं इन रिले को सिक्योर कर रहा हूँ सॉकेट्स के साथ. अब मैंने हर एक सॉकेट को रिले के साथ फाइनलाइज कर दिया. सो नाउ रोमपो इज रेडी. I have closed the cabinet and the remote is looking very nice. Now I am testing Rompo with real loads. Here is the remote of Rompo with all its specifications. मैं अभी Rompo 2.0 पे काम कर रहा हूँ जिस पे हम ये देख सकते हैं कि कौन सा port अभी on है और कितना time लगेगा timer को खत्म होने में या फिर on होने में. I am also adding a inverter in रोमपो 2.0 सो दैट कि अगर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ तो आपका फ़ोन कभी चार्ज से नहीं हटेगा, वो चार्ज होता रहेगा. और एक लास्ट फीचर, अगर कभी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो आपका फ़ोन का जैसा टाइमर है वो हमेशा उधर से स्टार्ट होएगा जहाँ से वो लीव करा था. Thank you guys for watching. Please do like, share and subscribe, and I will meet you in the next video.